ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 1 जुलाई 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:32 हो रहे हैं। हफ्ते का तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, हालांकि नया मंथ शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस मंथ का। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 30 जून आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,383 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,221। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स जैसे ही ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल के पास, एग्जैक्ट ये ओपन हुआ, कुछ देर यहाँ पेनेट्रेट किया और ऊपर की तरफ जब मूव हुआ, तो ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट 10,405 ये ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया यहाँ पर, और एक चौपी एक स्लगिश वे में काफी देर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पर कंटिन्यूज ये हर्डल फेस कर रहा था। काफी टाइम इसने इस लेवल को पेनेट्रेट किया, हालांकि फिर से ये बार ब्रेक नहीं कर पाया इस लेवल को, तो काफी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुआ। तो ये लेवल कैसे कल निकाला था, कल के वीडियो में, कल लाइन चार्ट में हमने दो टॉप निकाले थे, प्रीवियस टॉप जहां से निफ्टी इंडेक्स टर्न हुआ था। तो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स कल एक हर्डल फेस कर रहा था। तो कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग 8 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 6,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बच सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले कल यूएस मार्केट देखे तो वहां पर उम्मीद जगी है कि फिर से इकोनॉमी फिर से दौड़ने लगेगी। हालांकि कोरोना वायरस के अगर केसेस देखे तो दुनिया भर में लगातार ये बढ़ रहे हैं, आशंका जताई जा रही है कि सेकेंड वेव आ सकता है। अभी तक वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, कंप्लीट वैक्सीन बाजार में अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो काफी इसके वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो लंदन मार्केट और फ्रांस मार्केट का लाल निशान में बंद हुए, हालांकि जर्मन मार्केट में हल्की सी बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। एशियाई बाजार आज देखे तो एसजीएक्स निफ्टी फिर से एक बार लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, और जापानीज इंडेक्स भी 41 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 77 पॉइंट की इस समय गिरावट दिखा रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से भी मिले जुले संकेत इस समय देखने को मिल रहा है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, नया मंथ शुरू हो रहा है तो मंथली चार्ट से एक बार एनालिसिस शुरू करेंगे। ये निफ्टी इंडेक्स का मंथली चार्ट है, यानी कि एक कैंडल एक मंथ का हाई ओपन लो और क्लोज वैल्यू हमें प्रेजेंट कर रहा है। तो ये लास्ट मंथ का कैंडल है 30 जून का। अगर इसे देखे तो इसने ये जो हर्डल था 50 EMA, ये जो ब्लू लाइन था, इसके जस्ट ऊपर इसने क्लोज दिया। तो अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है। जैसे 2008 में यहाँ पर इसने 100 EMA का ये सपोर्ट टेस्ट किया था और फिर बाउंस बैक हुआ था, इसी तरह अभी 2020 में भी यहाँ पर इसने एक सपोर्ट टेस्ट किया, लेकिन अभी तक ये जो लास्ट ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक है, इसका हाई या फिर लो अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर इनसाइड बारी ट्रेडिंग हो रहा है। ये जब भी ऐसा मूविंग एवरेजेस के बीच में इंडेक्स या फिर कोई स्टॉक आकर फंसता है, तो काफ़ी देर यहाँ पर ये कंसोलिडेशन एक फेज दिखाता है। अगर 2008 की भी बात करें तो आप देख सकते हैं ये 50 EMA और 100 EMA या 20 EMA के बीच में ये कितना दिन यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, करीब 7-8 महीना इन मूविंग एवरेजेस के बीच में ये ट्रैप हो चुका था। तो एक कंसोलिडेशन फेज था। तो निफ्टी इंडेक्स ऊपर में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस यानी
10,800 के पास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और नीचे अगर देखें तो 10,000 अभी साइकोलॉजिकल बैरियर है, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर से एक बार 100 ईएमए यानी 8,800 के पास निफ्टी इंडेक्स आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये मंथली चार्ट का सिनेरियो है। चलते वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये मूविंग एवरेजेस जो है इसके बीच में ये ट्रैप हो चुका है, जो हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ड्रॉ किया था इसके मुताबिक ये अभी 61.8% का जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था इसके ऊपर चला गया, लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो 10,276 को ये फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो एज पर वीकली चार्ट 10,600 का रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे 10,000 के आसपास एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर वीकली चार्ट में भी देखें तो ये जैसे ही मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप होता है तो एक कंसोलिडेशन फेज काफ़ी देर यहाँ पर देखने को मिलता है, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर और भी पास में अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मूविंग एवरेजेस के बीच में काफ़ी कंसोलिडेट करता है, एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरह से जब भी ये इन मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप होता है तो एक रेंज में यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिलती है। अगर आप 60 मिनट के चार्ट में देखें क्लियरली, ये 60 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइंस है ये दिन का ब्रेक हमें दिखा रहा है, तो 4 दिन लगातार ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये इस तरह से ऊपर 10,400 का लेवल बनाए और नीचे 10,200 का यहाँ पर लेवल बनाए, तो इस रेंज के बीच में ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें 4 दिन से लगातार देखने को मिल रही है। काफ़ी चौपी मार्केट है, ट्रेडिंग के मौके नहीं मिल रहे, काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन्स मिलते हैं। तो यहाँ पर सेम अभी इस रेंज का जो अपर बैंड है ये हमारा हो सकता है आज के लिए फिर से सेम ब्रेकआउट लेवल 10,383। कल 4 बार इसने इस लेवल को पेनेट्रेट किया था लेकिन फेल हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, और फिर ये ब्रेकडाउन लेवल भी 10,221 का सेम जो कि लोअर बैंड इस रेंज का बन रहा है वो हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है। और अगर ब्रेकडाउन लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S2 का लेवल जो कि 10,188 है, और सेकेंड टारगेट होगा 10,160 जो कि 100 EMA का ये ग्रे लाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर ऊपर में इन सब लेवल्स को ये ब्रेक करता है यानी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 10,383 के ऊपर तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बनाएंगे, और फर्स्ट टारगेट तभी हमारा होगा 10,410, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,439, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ज़रूर। So thank you very much and happy trading.